HSRP नंबर प्लेट को लेकर जो लोग परेशान हैं इनके लिए राहत की खबर है। अब हुकूमत ने नंबर प्लेट लगाने के लिए मजीद 3 महीनों की मुद्दत दी है। जी हाँ, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP को 17 फरवरी से कबल हर गाड़ी पर लगाने के लिए जो अहकाम जारी किए गए थे उन अहकाम को मुलतवी करते हुए कर्नाटक की हुकूमत ने मजीद 3 माह की मोहलत दी है। कर्नाटक के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रामलिंगा रेड्डी ने बताया कि 17 फरवरी को ये नंबर प्लेट लगाने की आखिरी तारीख थी, लेकिन टेक्निकल इश्यूज की वजह से लोग नंबर प्लेट को बरवक्त हासिल करने में नाकाम हो रहे हैं, इसलिए मजीद 3 महीनों की मोहलत दी जा रही है। विधान परिषद में MLC माधे गौड़ा ने बताया कि रियासत में 2 करोड़ से ज़्यादा सवारियाँ हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फेक वेबसाइट्स की वजह से लोगों को धोखा खाना पड़ रहा है। हुकूमत इस सिलसिले में फौरी तौर पर कार्रवाई करे। इसके अलावा HSRP नंबर प्लेट लगाने की तारीख में तोसी करे। इस पर वजीर ट्रांसपोर्ट रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि HSRP लगाने के लिए मजीद 3 महीनों की मोहलत दी गई है। जो सवारियां 1 अप्रैल 2019 से रजिस्टर हुई हैं उनकी गाड़ियों को ये नंबर लाजमी तौर पर लगाना होगा। हुकूमत की जानिब से जो वेबसाइट जारी किया गया है वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और आपकी स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। इसी वेबसाइट के ज़रिए से HSRP का रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, वरना धोखा खाने के कभी इम्कान हैं और ये रकम ऑनलाइन ही अदा करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।